गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर बी ऑफ चैप्टर फोर अ वंडरफुल गिफ्ट. ओके चिल्ड्रन, फर्स्टली ओपन योर बुक. आर यू रेडी चिल्ड्रन? नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन कलर. ओके, हियर आर सम सेंटेंसेस. ओके चिल्ड्रन, इसमें हमें क्या करना है, इसमें कलरफुल जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर ब्लैंक्स में हमें फिल करना है. ओके, मैंने यहाँ पर कलर नहीं किया है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए, बुक में आपका कलर्ड वर्ड है. ओके, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द यंगर चिल्ड्रन वेयर क्वाइट नॉइजी बट द ओल्डर वंस वेयर वेरी डेस. ओके, द यंगर चिल्ड्रन वे आर क्वाइट नॉइजी. छोटे बच्चे काफी शोर करते थे. छोटे बच्चे क्या करते थे? छोटे बच्चे जो है काफी शोर करते थे. क्वाइट नॉइजी मीन्स होता है काफी शोर करना. ओके, नॉइजी मीन्स शोर करना. इसका अपोजिट वर्ड हमें यहाँ पर फिल करना है. बट द ओल्डर वंस वर वेरी. ओल्डर जो वंस थे वो क्या थे? वेरी क्या थे? बहुत ही शांत थे. शांत का स्पेलिंग क्या होगा? क्वाइटी. सॉरी चिल्ड्रन, क्वाइट होगा, QUIET. ओके, पूरी तरह से क्या थे वो लोग? क्वाइट थे, शांत थे. ओके, तो नॉइजी का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर? क्वाइट हो गया. नेक्स्ट नंबर टू इज अर्लियर द रूम स्मेल्ड वेरी अनप्लीजेंट. ओके, बिकॉज आई हैड स्प्रेड इंसेक्ट रिप्लेंट बट नाउ इट स्मेल्ड फ्रेश एंड डेस बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स इन द वास. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जो था आपका कलर वर्ड है अनप्लीजेंट. कलर वर्ड आपका क्या है? आपका आपकी बुक में रेड कलर का दिया हुआ है अनप्लीजेंट. ओके, तो अनप्लीजेंट का यहाँ पर हमें क्या फील करना है? अपोजिट वर्ड फिल करना है. सबसे पहले हम इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अर्लियर द रूम स्मेल्ड वेरी अनप्लीजेंट. ओके चिल्ड्रन, सबसे पहले जो है अर्लियर, पहले क्या था? जो रूम था उसकी खुशबू कैसी आती थी? अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट मीन्स होता है बहुत ही बेकार खुशबू जो है उसकी, असुखद. ठीक है, बहुत ही बेकार खुशबू आती थी. बिकॉज आई हैड स्प्रेड इंसेक्ट रिप्लेंट, क्योंकि उसने कीड़ों मकोड़ों को मारने वाला जो है निरोधक जो है उसको क्या किया था? स्प्रे किया था रूम में. ओके चिल्ड्रन, बट नाउ इट स्मेल्स फ्रेश. लेकिन जो अब जो है स्मेल उसकी आती है बहुत ही क्या आती है? फ्रेश आती है, ताजी आती है. एंड यहाँ पर फिर अनप्लीजेंट का हम लोग क्या अपोजिट वर्ड फील कर देंगे? यहाँ पर हम लोग फील कर देंगे प्लीजेंट, PLEASANT. Pleasant means होता है सुखद, मतलब कि सुखद, मतलब कि अच्छी खुशबू आती है. Because of the flowers in the vase, क्योंकि जो है flowers क्या है? In the vase means गुलदस्ते में है, गुलदान में है. ओके, तो unpleasant का जो है अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा. अनप्लीजेंट का प्लीजेंट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर थ्री इज हाउ कुड फॉरगेट टू ब्रिंग माय बुक. ओके चिल्ड्रन, हाउ कुड वी फॉरगेट टू ब्रिंग माय बुक. मेरी बुक को जो है लाना आप कैसे भूल सकते हैं? आई थॉट यू वुड डैश. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जो है आपका कलर्ड वर्ड जो है फॉरगेट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? फॉरगेट दिया हुआ है. फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जो वो कह रहा है सेंटेंस में कि आप मेरी बुक को लाना आप कैसे भूल सकते हैं. ठीक है, आई थॉट, मैंने सोचा कि यू वुड, कि आपको क्या होगा? यू वुड याद होगा, आपको याद होगा. ठीक है, याद होने का जो वर्ड होता है वो क्या होता है? रिमेम्बर. ओके चिल्ड्रन, सो वी विल फिल हियर रिमेम्बर. ओके, तो रिमेम्बर वर्ड जो है हमारा फॉरगेट का क्या हो गया?
अपोजिट हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। जैसे फॉरगेट मिस होता है भूल जाना, और रिमेम्बर मिस होता है चिल्ड्रन याद रखना। ओके, नंबर फोर इज अ पेपर बोट विल फ्लोट ऑन वाटर। ओके, जो पेपर, जो नाव की जो बोट है वो क्या होगी, पानी पर जो है तैरेगी। ओके, बट इफ यू थ्रो अ पेबल इन वाटर इट विल डैश। ओके, लेकिन जब आप पेबल मीन्स होता है कंकड़, पेबल आप कंकड़ को जब आप थ्रो करेंगे पानी में तो वो क्या होगा, जैसे कि पेपर जो है बोट तो तैरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड जो आपका है, यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड जो आपका दिया हुआ है फ्लोट दिया हुआ है। ओके, फ्लोट का अपोजिट क्या होगा, तैरना का अपोजिट क्या होगा, तैरना का अपोजिट होगा डूबना। ओके, सो वी विल राइट हियर सिंक, एंड आवर सेंटेंस इज अ पेपर बोट विल फ्लोट ऑन वाटर। पेपर बोट जो है पानी पर तैरेगी, बट इफ यू थ्रो अ पेबल इन वाटर इट विल सिंक। अगर आप एक कंकड़ का टुकड़ा पानी में फेंकेंगे तो वो क्या होगा, सिंक मीन्स डूब जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर फाइव इज यू फेल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ बिकॉज यू वर वेरी केयरलेस। ओके चिल्ड्रन, यू फेल डाउन, आप गिर गए, क्योंकि यू फेल डाउन मीन्स होता है आप गिर गए एंड हर्ट योर सेल्फ, और आपको चोट लग गई। ओके, बिकॉज यू वर वेरी केयरलेस, क्योंकि आप जो थे बहुत ही केयरलेस थे। ओके, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी। ओके, अभी यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड जो आपकी बुक में रेड कलर का दिया हुआ है केयरलेस दिया हुआ है, तो केयरलेस का जो अपोजिट वर्ड हम लोग क्या यहाँ पर फिल करेंगे, केयरलेस का हम लोग अपोजिट वर्ड फिल करेंगे केयरफुल, सी ए आर ई एफ यू एल। ओके, केयरफुल मीन्स होता है सावधान, अगली बार से आप क्या रहेंगे, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू, अगली बार आपको सावधान रहना पड़ेगा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट नंबर सिक्स इज ही वॉज अ नॉन क्रिकेट प्लेयर बिफोर दिस आईपीएल सीरीज। ओके, नंबर सिक्स आपका क्या है कि वह जो था अननोन मिस होता है, आपका हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ है अननोन मिस होता है अज्ञात, मतलब कि उसको कोई जानता नहीं था, क्रिकेट प्लेयर के रूप में बिफोर दिस आईपीएल सीरीज, इस आईपीएल सीरीज से पहले उसे कोई जानता नहीं था, बट आफ्टर स्कोरिंग 100 इन द लास्ट मैच ही हैज बिकम। ओके, लेकिन जो है बट आफ्टर स्कोरिंग, लेकिन शतक बनाने, पिछले मैच में शतक बनाने के बाद जो है काफी मशहूर हो गया। ओके, तो यहाँ पर अपोजिट यहाँ का अननोन का क्या कर देंगे, वेल नोन मीन्स होता है काफी मशहूर या अच्छा जाता हो, वेल अननोन, यू एन के एन ओ डब्ल्यू एन। ओके, यहाँ पर अननोन का अपोजिट हो गया वेल अननोन। ओके चिल्ड्रन, नंबर सेवन इज मदर वॉज एबल टू कॉल यू ऑन योर मोबाइल फोन। ठीक है, मदर जो थी एबल थी कॉल करने में आपके मोबाइल फोन पर। ठीक, एबल हाईलाइटेड वर्ड आपका क्या है, एबल मीन्स आपका होता है सक्षम थी, यानी योग्य थी। ओके, बट शी वॉज डैश टू गेट इन टच विद आंट रशीदा। ओके, तो यहाँ पर एबल का यहाँ पर हमें अपोजिट भरना है। ओके, फिल करना है। अब एबल का अपोजिट क्या होता है, एबल का अपोजिट होता है अनेबल, यू एन ए बी एल ई, अनेबल, यानी कि वो अयोग्य थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर एट इज प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूजलेस मीन्स होता है बेकार होते हैं। ओके, यूज जूट बैग एज बैग्स एज दे आर वेरी। ओके, तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है यूजलेस की जगह पर हमें ऐसा वर्ड यूज करना है जो इसका अपोजिट हो, यूजलेस मीन्स होता है बेकार। ओके, बेकार का अपोजिट क्या होता है, यूजफुल। ओके चिल्ड्रन, यूजफुल, यू एस ई एफ यू एल, यूजफुल। ओके, सो नाउ आवर सेंटेंसेस, प्लास्टिक बैग्स आर वेरी यूजलेस, यूज जूट बैग्स एज दे आर वेरी यूजफुल। प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं,
बट जूट बैग होते हैं वे बहुत ही हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।